बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 0.8 बार। तो 0.8 बार हमारे साथ बराबर है, 0.8 बार का मतलब है कि 0.8 बार बार रिपीट होता है, 0.8888888 अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे साथ बराबर है 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 अप टू इनफिनिटी। तो इसमें हमारे साथ ये हमारे साथ एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें हमारे साथ A1 0.8 है और हमारे साथ 0.08 डिवाइड बाई 0.8, इससे हमारे साथ आता है 0.1। ठीक है, तो इस इनफिनिटी हमारे साथ फार्मूला है A डिवाइड बाई 1 माइनस R। तो इस इंफिनिटी 0.8 बार है, ए हमारे साथ है 0.8, 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो 0.8 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.9 से हमारे साथ 0.9 आता है। ठीक है, तो 0.8 बार इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9। पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट 2 हमारे साथ है 1.63 बार, 1.63 और 63 के ऊपर बार है, यह हमारे साथ है 1.636363 अप टू इनफिनिटी। तो ये बराबर है 1 प्लस 0.63 प्लस 0.0063 प्लस अप टू इनफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे साथ इस ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें हमारे साथ ए वन हमारे साथ बराबर है 0.63 का और आर हमारे साथ बराबर है 0.0063 डिवाइड बाई 0.63। तो 0.0063 डिवाइड बाई 0.63 से हमारे साथ आता है 0.01। ठीक है, 0.01। तो अब सम हमारे साथ 1.63 बार हमारे साथ बराबर है 1 प्लस, और इसके हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो a हमारे साथ 0.63 है डिवाइड बाई 1 माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0.63 डिवाइड बाई 0.99 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 63 डिवाइड बाई 99। तो 1.63 बार इज इक्वल टू 99, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 99 प्लस 63, तो 99 प्लस 63 हमारे बराबर है 162 डिवाइड बाय 99। ठीक है, तो ये हमारे साथ दोनों 9 के टेबल में आता है, 9 वन जार 9 एट जार 72 और 11 9 जार 99, तो 18 डिवाइड बाय 11 के बराबर होगा। 1.63 बार हमारे साथ 18 बाय 11 के बराबर होगा। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 2.15 बार, 5 के ऊपर बार है, मतलब 2.1555 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे साथ बराबर है 2.1 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 प्लस अप टू इनफिनिटी। तो इसमें ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें हमारे साथ a या a1 0.05 के बराबर है, r हमारे साथ बराबर है a2 डिवाइड बाई a1 का 0.005 डिवाइड बाई 0.05 जिससे हमारे साथ आता है 0.1। तो 2.15 बार बराबर है 2.1 प्लस, और इसी पे मैं ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ, a हमारे साथ 0.05 है डिवाइड बाई 1 माइनस 0.01। तो 2.1 बार बराबर हो गया 2.1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 0.9। ठीक है, तो 2.1 में लिख सकता हूँ 21 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब ये में लिख सकता हूँ 0.05 डिवाइड बाई 90। ठीक है, 21 बाई 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 90, तो 90 इसका एलसीएम होगा। तो 90 बाई 10 से 9 आता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 21 से 9 वन जार 9 9 टू जार 80 और प्लस 9। ठीक है,
तो 194 डिवाइड बाय 90, 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 2 9 18, तो 7 24 और 2 45 90, 97 डिवाइड बाय 45, तो 2.15 बार बराबर है 97 डिवाइड बाय 45 का, ठीक है। और इसका आखिरी पार्ट हमारे साथ है 0.123 बार, क्वेश्चन 4 का आखिरी पार्ट हमारे साथ है, जीरो पॉइंट 123 बार। तो ये लिख सकता हूँ 0.123 प्लस 0.000123 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसमें हमारे साथ ए वन बराबर है 0.123 का, आर हमारे साथ बराबर है 0.000123 डिवाइड बाय 0.123, तो इससे हमारे साथ आता है 0.0001, ठीक है। और 0.000123 को मैं 0.123 से डिवाइड कर लो तो हमारे साथ आ जाएगा 0.0001, ठीक है। अब हमारे साथ एस इन्फिनिटी का फार्मूला है ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ए हमारे साथ है 0.123 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.0001, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 0.123 डिवाइड बाय 0.9999, ठीक है। 1 माइनस 0.0001 अगर मैं कर लो, सॉरी इस हमारे साथ 0.001 है, ठीक है। तो इसमें इधर हमारे साथ एक 1 कम आ जाएगा, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 123 डिवाइड बाय 999, ठीक है। तो अब हमारे साथ 3 के टेबल में है 4 3 12 1 3 1, और इधर 3 3 9 3 3 9 3 3 9 = 41 डिवाइड बाई 333, तो 0.123 बार हमारे साथ बराबर होगा 41 डिवाइड बाई 333। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ कंप्लीट होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो 5 हमारे साथ है पॉइंट आर सच दैट एस 10 इज इक्वल टू, अगर एस 10 हमारे साथ बराबर हो 244 एस 5 का, तो आर की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। तो हमारे साथ जनरल फार्मूला एस एन का है ए इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। तो जब हमारे साथ ये एस 10 हो तो एन की जगह हम 10 पुट करेंगे, एस 10 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर 10 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। और जब हमारे साथ इधर 5 हो तो एस 5 हमारे साथ एन की जगह हम 5 पुट करेंगे, ए इंटू ए 1 माइनस आर पावर 5 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब हमारे साथ हमें गिवन है कि एस 10 इज इक्वल टू 244 एस 5, तो एस 10 की जगह मैं पुट करता हूँ ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 244 ए इंटू 1 माइनस ई पावर 10 है 1 माइनस आर पावर 5 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो ये 1 माइनस आर 1 माइनस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस
आर पावर 10 इज इक्वल टू 244 से मल्टीप्लाई कर लेते हो जाएगा 244 माइनस 244 आर पावर 5। ठीक है, अब हमारे साथ आर 10 को मैं उस साइड पे लिख सकता हूँ और 220 आर 10 को मैं उस साइड पे लिख सकता हूँ और 1 को भी उसी साइड पे लिखता हूँ, तो ये हमारे आ जाएगा 242 आर 10, ये प्लस आर 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 244 आर 5 हो जाएगा, और ये प्लस 24 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आर 10 माइनस 244 आर 5 और प्लस 223 हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, आर 10 माइनस 244 आर 5 प्लस 223 हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ई में लिख सकता हूँ आर 5 स्क्वायर माइनस 244 आर 5 प्लस 223। ठीक है, लेट आर 5 इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट करें आर 5 की जगह एक्स है तो आर 5 की जगह मैं एक्स पुट करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 244, या इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ तो आर 5 स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 243 आर 5 माइनस आर 5 प्लस 2, ये 24 नहीं है, ये हमारे साथ ये 244 है। ठीक है, तो ये हमारे साथ 244 है, 244 तो ये 243 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ माइनस आर 5 प्लस 243। ठीक है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके सम से हमारे साथ ये आता है और इसके प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। ठीक है, इसमें हमारे साथ आर 5 कॉमन है तो अंदर रह जाएगा आर 5 माइनस 243, इसमें माइनस 1 कॉमन है तो आर 5 माइनस 243 रह जाएगा। ठीक है, तो आर 5 माइनस 243, ठीक है, इसको सबको मैंने एक साइड पे दूसरी साइड पे जीरो आ जाएगा, आर 5 माइनस 243 एंड टू आर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो आर 5 माइनस 243 इज इक्वल टू जीरो और आर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, आर 5 इज इक्वल टू 243, तो 243 लिख सकते हो 3 पावर 5, इधर आर 5 इज इक्वल टू 1 पावर 5, तो इससे हमारा आर की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ से आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू 1 हमारे साथ पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में 1 पॉसिबल नहीं है, तो आर की वैल्यू हमारे साथ 3 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया।